हाय स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना यूनिट नंबर 1 जो कि है इंट्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन। आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स जो सब्जेक्ट है, हमने पिछले लेक्चर में सिलेबस को डिस्कस किया था, उसका यूनिट नंबर 1 क्या था? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो बेसिकली इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग जानेंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है, उसके एडवांटेजेस को हम लोग देखेंगे, देन हम लोग देखेंगे क्या एप्लीकेशन क्या है कंप्यूटर ग्राफिक्स के, कहाँ कहाँ कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज होता है, देन हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स और फिर डिफरेंट कंप्यूटर ग्राफिक्स पैकेजेस को देखेंगे जिसकी हेल्प से ग्राफिक्स को, ड्राइंग को ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, व्हाट इज कंप्यूटर ग्राफिक्स। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका स्टूडेंट, और देखिए आपको सारे पॉइंट को नोट करते हुए चलना है, ठीक है, क्योंकि आपको जब एग्जाम देने के लिए जाना है तो आपको क्या लिखना है, थ्योरी लिखना है। आगे बात समझ में, तो हम लोग धीरे धीरे इजी वे में सारी चीजों को समझते हुए चलेंगे, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अभी आपके पास 4 से 5 महीना समय है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर ग्राफिक्स रेफर्स टू द क्रिएशन, स्टोरेज एंड मैनिपुलेशन ऑफ पिक्चर्स एंड ड्रॉइंग्स यूजिंग डिजिटल कंप्यूटर्स। लिखा हुआ है कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है, क्रिएशन, क्या चीज, क्रिएशन, स्टोरेज मीन्स स्टोर करना, एंड मैनिपुलेशन मीन्स उसमें कुछ चेंजिंग करना, जैसे ट्रांसफॉर्म करना, स्केलिंग परफॉर्म करना, रोटेशन परफॉर्म करना ऑफ किसका, पिक्चर्स का। तो किसका हम लोग करेंगे, 2 डायमेंशनल पिक्चर हो या वो 3 डायमेंशनल पिक्चर हो, एंड ड्रॉइंग्स, और क्या करना, ड्रॉइंग करना, किसकी हेल्प से, डिजिटल कंप्यूटर की हेल्प से। तो यहाँ से स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट से हम लोग क्या क्या चीज समझे कि कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है, क्रिएट करना, स्टोरेज करना और मैनिपुलेशन करना, किसका, पिक्चर का। हमारे पास मान लीजिए कोई एक पिक्चर मौजूद है, ठीक है, ये कोई पिक्चर है, ठीक है, ये कोई पिक्चर है, हम इस पिक्चर पे क्या कर, इस पिक्चर को हम क्रिएट कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, कंप्यूटर ग्राफिक्स का एक पार्ट है। जब हम डिजिटली क्रिएट कर रहे हैं तो इसको हम कहीं ना कहीं स्टोर कर रहे हैं अपने सिस्टम में, सी ड्राइव में कहीं स्टोर कर रहे हैं या कहीं भी, तो ये क्या है, स्टोरेज, और इसमें हम मैनिपुलेशन कर रहे हैं, या तो हम इसे इनलार्ज कर रहे हैं, किसी बड़े डिवाइस में देख रहे हैं या किसी स्मॉल डिवाइस में सेम पिक्चर को देख रहे हैं। जैसे कि आप अगर मान लिया जाए, आप कैमरा का ही एक एग्जांपल ले लीजिए जो कि कंप्यूटर ग्राफिक्स का ही एक क्या है, आप उसे कह सकते हैं इनपुट डिवाइस है, उससे हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर यानी कि जो भी हमारा इमेज रहता है रियल वर्ल्ड में, उसको हम क्या करते हैं, उस कैमरा में प्रोसेसिंग करते हैं, स्टोर करते हैं। तो हम देखते हैं, अगर मान लिया जाए, जैसे कि एक जोक भी है कि एक क्या है 21 इंच का क्या है, मान लिया जाए सांप है, ठीक है, 21 इंच का सांप है, और आप उसको देख रहे हैं किसमें, मान लीजिए आपका फोन का स्क्रीन कितना होगा, 6 इंच का होगा मैक्सिमम से मैक्सिमम, ठीक है, उससे भी ज्यादा होगा। तो ये जो स्टूडेंट इतनी बड़ी चीज है, या आप बिल्डिंग को ही ले लीजिए, ठीक है, आपका जो मोबाइल का स्क्रीन है, क्या आप उसमें, क्या आप उस मोबाइल के स्क्रीन से, उस मोबाइल के कैमरा से बुर्ज खलीफा जो है स्टूडेंट, उसके पिक्चर को ले सकते हैं क्या, उसके ये कुछ चलिए जो भी बना है, ठीक है, ये बिल्डिंग है, क्या इससे आप पिक्चर ले सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं, बिल्कुल खींच सकते हैं। तो आखिर क्या इंटरनल प्रोसेसिंग होता है जो कि ये पॉसिबल है, कुछ तो होता होगा, जैसे आप अपना खुद का फोटो खींचते हैं, आज तक कैमरा में खींचते हुए आए हैं, ठीक है, तो क्या आपका स्क्रीन उतना ही बड़ा है जितने बड़े आप हैं, नहीं, लेकिन वो आपके रियलिस्टिक इमेज को दिखाता है। तो किस प्रकार से संभव हो पाता है, वो कंप्यूटर ग्राफिक्स की हेल्प से संभव हो पाता है। तो इन सभी चीजों को हम लोग धीरे धीरे देखते हुए चलेंगे। आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स को अगर अच्छे से समझना हो तो चलिए हम एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं और उसके बाद आपको समझाते हैं। देखिए स्टूडेंट, कंप्यूटर ग्राफिक्स को समझने के पहले हम इसके नेम को समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कंप्यूटर ग्राफिक्स की अगर हम बात करें तो ये टोटल 2 वर्ड से मिलकर बना है, क्या क्या, कंप्यूटर और दूसरा है आपका क्या, ग्राफिक्स। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कंप्यूटर और दूसरा है ग्राफिक्स, तो इसे आप 2 वर्ड में बांट सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर का मतलब आप सभी जान रहे हैं, एक सिस्टम। कंप्यूटर क्या होता है, जो कि क्या करता है, किसी डेटा को लेता है, इंफॉर्मेशन को लेता है, उसे प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट जनरेट करता है, आपको पता है। अब ग्राफिक्स क्या है स्टूडेंट, अगर हम ग्राफिक्स को भी देखें तो हम इसे 2 वर्ड में क्या कर सकते हैं, इसे तोड़ सकते हैं, 2 वर्ड में बांट सकते हैं, 2 कॉन्सेप्ट में बांट सकते हैं। क्या हम देख सकते हैं कि जो ग्राफिक्स है हमारा वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, ग्राफ और पिक्स, क्या ऐसा है,
बिल्कुल है। ग्राफिक्स जो है आपका वो ग्राफ और पिक्स दो सब्जेक्ट से मिलकर, दो जो आपका वर्ड है उससे मिलकर बनाया। तो यहाँ पे ग्राफ और पिक्स इन दोनों का मतलब क्या है? तो ग्राफ, जैसा आप जानते हैं, ग्राफ का मतलब क्या हुआ? किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी डेटा को ग्राफिकली क्या करना, उसे शो करना, रिप्रेजेंट करना। जैसे अगर हम बात करें तो एक पॉइंट, एक पॉइंट की अगर बात करें तो ये क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या है? एक पॉइंट है। हम अगर डिफरेंट पॉइंट्स को मिला दे, स्टूडेंट डिफरेंट पॉइंट्स को मिला दे, यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स को मिला दे तो ये क्या बन जाएगा? एक लाइन बन जाएगा। हम अगर डिफरेंट पॉइंट्स को मिला दें तो ये क्या बन जाएगा? एक सर्कल बन जाएगा। अगर हम डिफरेंट लाइंस को मिला दें तो ये क्या बन जाएगा? एक शेप बन जाएगा, 2D शेप बन जाए, या आपका क्या हो, 3D शेप बन जाए, है ना? इस तरीके की बात हुई ग्राफ। और पिक्स मीन्स क्या हुआ? आपका इमेज हुआ। पिक्स मीन्स क्या हुआ स्टूडेंट? इमेज। अब जो कोई भी इमेज होता है वो क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ पिक्सल्स होता है, जो कि क्या होता है? स्मॉलेस्ट ब्लॉक्स आप बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट ब्लॉक्स या बिल्डिंग ब्लॉक्स बोल सकते हैं। अब पिक्सल क्या होता है स्टूडेंट? इसे हम लोग इसके लिए एक सेपरेट यूनिट ले लेंगे, क्योंकि इसे आपको समझना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे हम एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन समझ रहे हैं। तो हम समझे क्या कि कंप्यूटर ग्राफिक्स मीन्स कंप्यूटर ग्राफ और पिक्स तीन वर्ड से ये मिलकर बना है। इसका मतलब क्या होता है? यानी कि जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि ये क्या है? क्रिएशन है, स्टोरेज है, मैनिपुलेशन है किसका? पिक्चर्स का। किसका स्टूडेंट? पिक्चर्स का। और क्या लिखा हुआ है? ड्रॉइंग यूजिंग डिजिटल कंप्यूटर्स। और हम लोग क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। क्या चीज? ड्रॉ करेंगे, डिफरेंट शेप को ड्रॉ करेंगे, ज्योमेट्रिक शेप को ड्रॉ करेंगे यूजिंग क्या? डिजिटल कंप्यूटर। तो आई होप आप लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स का लगभग ओवरऑल क्या है ये समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो हम लोग धीरे धीरे स्टूडेंट समझते हुए चलेंगे, ठीक है? तो आप देखिए सारे पॉइंट्स को नोट करते हुए चलिए। अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं अच्छे से अपनी कॉपी में तो आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक। फर्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिए आप लोग। सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या है? यूज्ड इन डाइवर्स फील्ड टू रिप्रेजेंट डेटा। इसका अनेक जगहों पर यूज किया जाता है डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। साइंटिफिक रिसर्च में इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है इसके काफ़ी। हम लोग अभी एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स देखेंगे तो उसमें समझेंगे। मेडिसिन, बिजनेस, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, आर्ट और काफ़ी जगहों पे क्या है स्टूडेंट? कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट है क्या? इट इन्हांसेस द कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स एंड यूजर्स। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझने वाली बात है। क्या ये क्या करता है? कंप्यूटर, कंप्यूटर जो आपका कंप्यूटर है, और यूजर, एंड यूजर, जो कि जैसे कि हम अभी सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहे हैं, सिस्टम को यूज कर रहे हैं। आप अपने फोन पे मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो फोन आप यूज कर रहे हैं, तो आपका फोन एक कंप्यूटर हो गया और आप उसके एंड यूजर हो गए। तो आपके बीच में ये क्या करता है? कम्युनिकेशन को इनहेंस कर देता है, कम्युनिकेशन को बढ़ाता है। जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? वीडियो देख रहे हैं। अब वीडियो क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ मूविंग पिक्चर्स है ना? इन्हें सेट इन अ पार्टिकुलर ड्यूरेशन, एक पार्टिकुलर ड्यूरेशन में क्या हो रहा है? वो पिक्चर्स मूव हो रही हैं, तो आपको देखने में लग रहा है कि ये क्या है? एक वीडियो है। तो वो जो है स्टूडेंट वो भी कंप्यूटर ग्राफिक्स का ही एक पार्ट है, कंप्यूटर ग्राफिक्स का ही एक उदाहरण है, ठीक है? तो ये क्या क्या है? कम्युनिकेशन को इनहांस कर दिया है। क्योंकि मान लीजिए अगर आप आज से 60 साल 70 साल पहले की बात करें तो उस समय जो कंप्यूटर्स होते थे आप देखिएगा, वो होते थे, आपको ध्यान होगा, आपने पढ़ा होगा क्या, कमांड यूजर इंटरफेस पढ़े आप लोग। अगर आप एमएस डॉस की बात करें तो ये क्या था? अच्छा यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, मैं नहीं, वन मिनट स्टूडेंट, हम बात करें आज से कुछ साल नहीं, मतलब कि 60-70 साल पहले की, तो कमांड यूजर इंटरफेस उस समय चलता, और 60-70 साल पहले जाने की भी जरूरत नहीं, मैं बहुत ज्यादा ही चला गया, ठीक है? तो आज से आप 30 ईयर्स पहले की बात करें तो कमांड यूजर इंटरफेस था। और उससे ही पहले की बात करें, अगर आप एबकस को देखें, आप लोग जान रहे हैं एबकस क्या है? व्यक्ति का नेम है। एबकस क्या है? फर्स्ट कंप्यूटर था, है ना? हम लोग जानते हैं वो क्या था? क्या उसमें कोई स्क्रीन था, मॉनिटर था? नहीं, वहां पे ग्राफिक्स का यूज नहीं हो रहा था। तो ग्राफिक्स जब से आया है तो ये क्या किया है? कम्युनिकेशन को इनहांस कर दिया। आइदर वो कैरेक्टर के फॉर्म में हो, कोई कैरेक्टर भी अगर लिखा हुआ है ABCD मॉनिटर पे, तो ये क्या है स्टूडेंट? कंप्यूटर ग्राफिक्स की हेल्प से लिखा जा रहा है।
आ रही है सारी बातें समझ में? क्लियर है? यस क्लियर है, बोलिए हाँ। तो चलिए ये हो गया आपका फर्स्ट क्लास के जो चारों पॉइंट है, इनको आप क्या कीजिए स्टूडेंट, नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिए, अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। अभी हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स को ही धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे, आप लोगों को अच्छा लगेगा और आनंद भी आएगा समझने में। नेक्स्ट है क्या, इट इज डिफिकल्ट टू डिस्प्ले एन इमेज ऑफ एनी साइज ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। बिल्कुल, ये क्या कह रहा है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स के पहले किसी भी साइज की इमेज को किसी भी साइज के कंप्यूटर स्क्रीन पे फिक्स करना, डिस्प्ले कराना क्या होता था, डिफिकल्ट होता था। जैसे मान लीजिए कोई इमेज हमारा जो है वो 1920x1080 रिजोल्यूशन का है, ठीक है स्टूडेंट, और मान लिया जाए मुझे उसे फिक्स करना है, मतलब कि मुझे उसे डिस्प्ले कराना है 480x360 के स्क्रीन पे। अब ये इंटू क्या होता है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, 1920 का मतलब क्या हो गया बताइए। आप लोग जैसे अभी YouTube यूज करते हैं, बहुत सारी चीजों को यूज करते हैं, तो आपको पता होगा ये। तो 1920 क्या बताता है स्टूडेंट, विथ बताता है, और ये 1080 क्या बताता है, हाइट बताता है, ठीक है, यानी विथ इंटू हाइट, आप लोग जान रहे हैं। तो अगर 1920x1080 का मेरा कोई इमेज है और उसे मुझे 480x360 के स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है, तो ये क्या होता था स्टूडेंट, ये डिफिकल्ट टास्क था, या ये ऐसा पॉसिबल नहीं था कंप्यूटर ग्राफिक्स के पहले, ठीक है। बट आगे क्या है, दिस मेथड इज सिंप्लीफाइड बाय यूजिंग कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज करके हम लोग इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप कोई बड़े स्क्रीन से अभी आप क्या करें फोटो को खींचे और उसे छोटे स्क्रीन पे आप भेजे, तो आप बिल्कुल उसे देख सकते हैं। या एक मूवी जो कि, या एक क्रिकेट मैच अभी चल रहा है, तो क्रिकेट मैच जैसे ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो आप उसे उसी चैनल पे या तो अपने फोन पे देखें, या टीवी पे देखें, या 32 इंच के LCD पे देखें, आपको वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वहां पे कंप्यूटर ग्राफिक्स के एप्लीकेशन का यूज हो रहा है। सो ग्राफिक्स ऑन द कंप्यूटर आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग वेरियस एल्गोरिथम्स एंड टेक्निक्स। जो ग्राफिक्स आप कंप्यूटर पे देख पाते हैं वो वेरियस एल्गोरिथम और टेक्निक की हेल्प से प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब वो सारे एल्गोरिथम क्या है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं जाने वाले हैं। इस जो आपका सिलेबस है कंप्यूटर ग्राफिक्स का, हम लोग जस्ट लाइन जनरेशन एल्गोरिथम और सर्कल जनरेशन एल्गोरिथम इतने तक ही हम लोग सीमित रहेंगे, ठीक है। हम लोग डिफरेंट लाइन जनरेशन एल्गोरिथम को देखेंगे और हम लोग देखेंगे क्या, सर्कल जनरेशन एल्गोरिथम। सो नेक्स्ट है आपका, द कंप्यूटर इज एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन। कंप्यूटर आप लोग जान रहे क्या है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, एक रो डेटा को लेता है, रॉ डेटा को, और वो क्या करता है, उसे प्रोसेस करता है। इट इज अ टूल फॉर स्टोरिंग मैनिपुलेशन एंड कोरिलेटिंग डेटा, ठीक है। देयर आर मेनी वेज टू कम्युनिकेट द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन टू द यूजर। काफी सारे वेज हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं उस प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को यूजर के साथ, मीन्स कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन की बात हो रही है। द कंप्यूटर ग्राफिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड कॉमनली यूज वेज टू कम्युनिकेट द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन टू द यूजर। और कंप्यूटर ग्राफिक्स उनमें से सबसे अच्छा, मोस्ट इफेक्टिव और कॉमनली यूज वे है कम्युनिकेट करने का उस प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन के साथ। आप लोग समझ पा रहे हैं, आई होप आप लोग सारे पॉइंट को समझ पा रहे हैं अच्छे से और नोट करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इट डिस्प्लेज द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट्स सच एज पिक्चर्स, चार्ट्स, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स इनस्टेड ऑफ सिंपल टेक्स्ट। ये क्या करता है, आपका इंफॉर्मेशन को बहुत सारे फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपके ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स हो गए, सर्कल हो गया, आपका लाइन हो गया, सच एज पिक्चर्स हो गया, आपका बहुत सारे पिक्चर्स हो गए, चार्ट्स हो गया आपका, है ना, वेरियस चार्ट्स होते हैं, ग्राफ हो गया, डायग्राम्स हो गया, एक सिंपल टेक्स्ट के अलावा ये सारी चीजें भी होती है। Thus, we can say that computer graphics makes it possible to express data in pictorial form. तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या क्या है स्टूडेंट, ये पॉसिबल कर दिया है कि हम डेटा को पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। ये सारे पॉइंट आप लोग नोट करते हुए चलिए स्टूडेंट, बहुत ही सारे पॉइंट वीवीआई हैं और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है जब कंप्यूटर ग्राफिक्स सब्जेक्ट है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है, इसे एक्सप्लेन कीजिए। अगर भूल बस 6 मार्क्स में पूछ दिया गया तो आपको सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, तो छोड़ना नहीं है, नोट करते हुए चलना है, स्क्रीनशॉट आप लोग नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट है क्या, द पिक्चर और ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट मे बी एन इंजीनियरिंग ड्राइंग, बिजनेस ग्राफ्स, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स, ए सिंगल फ्रेम फ्रॉम एन एनिमेटेड मूवी और अ मशीन पार्ट्स इलस्ट्रेटेड फॉर अ सर्विस मैनुअल। अब देखिए मैंने इतना पॉइंट बोल दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है कि वो जो पिक्चर जिस डेटा को हम पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो पिक्चर या ग्राफ क्या हो सकता है, कोई इंजीनियरिंग ड्राइंग हो सकता है ना, किसी प्रकार का ड्राइंग, हम लोगों ने सेकेंड सेम में डिफरेंट प्रकार के ड्राइंग को बनाया है ना, बिजनेस ग्राफ हो सकता है आपका, किसी प्रकार का कोई आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर हो सकता है, किसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर हो सकता है, किसी होटल का स्ट्रक्चर हो सकता है, जो कि आप कंप्यूटर ग्राफिक्स की हेल्प से क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। ए सिंगल फ्रेम फ्रॉम एन एनिमेटेड मूवी, किसी एनिमेटेड मूवी का एनिमेशन आप लोग जान रहे हैं, एनिमेशन देखिए आपको पढ़ना है लास्ट यूनिट में। एनिमेशन क्या होता है, जैसे मैं बेसिकली अगर बता दूं तो एनिमेटेड मूवी आप लोगों ने देखा होगा, कार्टून्स जिसका एग्जांपल है, तो उसमें क्या होते हैं, उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एनिमेशन की हेल्प से बनाए जाते हैं, तो उस तरह का बात हो गया, या किसी कोई मशीनरी पार्ट्स हो गया जो कि क्या क्या हो, कोई सर्विस मैनुअल में इलस्ट्रेट किया हुआ है, तो वो सारे क्या होते हैं, वो सारे आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स के एग्जाम्पल है। सो इन कंप्यूटर ग्राफिक्स पिक्चर्स और ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंटेड एज अ कलेक्शन ऑफ डिस्क्रीट पिक्चर एलिमेंट्स कॉल्ड पिक्सल्स। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पिक्सल का कॉन्सेप्ट आया है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स में स्टूडेंट जो पिक्चर्स होते हैं या ग्राफिक्स जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं एज अ कलेक्शन ऑफ डिस्क्रीट पिक्चर एलिमेंट्स, यानी कि जो आपका पिक्चर है स्टूडेंट, मान लिया जाए ये कोई एक पिक्चर है, तो ये पिक्चर क्या है, ये छोटा छोटा एक मान लिया जाए बिल्डिंग ब्लॉक्स से बना हुआ है, और इसी बिल्डिंग ब्लॉक्स को, इसी ब्लॉक्स को क्या बोला जाता है, इसे पिक्सल बोला जाता है, क्या बोला जाता है स्टूडेंट, पिक्सल बोला जाता है। सो पिक्सल बेसिकली होता क्या है, द पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल स्क्रीन एलिमेंट। पिक्सल क्या होता है, स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा, एड्रेसेबल स्क्रीन एलिमेंट यानी जिसको एड्रेस किया जा सके, जिसको पॉइंट आउट किया जा सके, वो एक एलिमेंट होता है। इट इज द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ द डिस्प्ले स्क्रीन विच वी कैन कंट्रोल। ये क्या है, स्मॉलेस्ट पीस ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, यानी इसके वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, इसमें कितने परसेंट आर होगा, कितना जी होगा, बी होगा, आरजीबी क्या होता है, रेड ग्रीन ब्लू होता है, हम लोग समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है स्टूडेंट। सो द कंट्रोल इज अचीव्ड बाय सेटिंग द इंटेंसिटी एंड कलर ऑफ द पिक्सल विच कंपोजेस द स्क्रीन। बिल्कुल हम लोग इसे कंट्रोल कर सकते हैं, किस प्रकार से कि स्क्रीन पे जो वो पिक्सल दिखाया जा रहा है उसकी इंटेंसिटी क्या होगी और उसका कलर क्या होगा पिक्सल का, है ना। सो ईच पिक्सल ऑन द ग्राफिक्स डिस्प्ले डज नॉट रिप्रेजेंट मैथमेटिकल पॉइंट, मींस हर एक जो पिक्सल यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया जाता है किसी स्क्रीन पे, डज नॉट रिप्रेजेंट मैथमेटिकल पॉइंट, सारे किसी ना किसी मैथमेटिकल पॉइंट को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। अब यहां से थोड़ा आपको कंफ्यूजन स्टार्ट हो रहा होगा, तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने नेक्स्ट स्लाइड में एक क्या किया है, हमने एक रिप्रेजेंटेशन लिया है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिससे आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। रादर इट रिप्रेजेंट्स अ रीजन विच थ्योरिटिकली कैन कंटेन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। इसके रादर यानी कि जो पिक्सल होता है वो क्या करता है, किसी एक रीजन को रिप्रेजेंट करता है ना, जैसे ये स्क्रीन है और ये आपका पिक्सल है, तो ये क्या कर रहा है, स्क्रीन के इस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। रीजन मींस क्या, उस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अगर आप इस स्लाइड पे आ जाएं तो फॉर एग्जांपल अगर बात करें, ये आपका कंप्लीट क्या है स्टूडेंट, एक स्क्रीन है, ठीक है, मान लिया जाए ये एक स्क्रीन है और ये छोटे छोटे जो ब्लॉक्स आपको दिख रहे हैं स्टूडेंट, ये सारे क्या है, ये सारे पिक्सल्स हैं, ये सारे क्या हैं, पिक्सल्स हैं। सो फॉर एग्जांपल इफ वी वांट टू डिस्प्ले, अगर हम मैथमेटिकली बात करें, अगर हम
P1 पॉइंट को डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका नंबर सिस्टम है, यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका क्या है स्टूडेंट, नंबर सिस्टम है, ये आपका जीरो हो गया, इधर एक्स कोऑर्डिनेट और इधर वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ ये तो आप लोग जानते हैं स्टूडेंट, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। 1 2 आपका नंबरिंग किया हुआ है, 1 2 इधर प्लस एक्स और प्लस वाई। चलिए तो आप P1 को स्टूडेंट डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं इस ग्राफ पे, P1 पॉइंट को, और जो P1 कोऑर्डिनेट है आपका वो है 4.4 और 3.8। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दें इस नंबर लाइन पे, तो 4.4 एक्स में कहाँ पे है बताइए, P1 में जो 4.4 है वो कहाँ पे है, वन मिनट, 4.4, अच्छा यहाँ पे 4.4 नहीं है, यहाँ पे क्या है 5.4, ओके यहाँ पे क्या है 5.4, ओके सुनो 5.4 अगर आप बताएं तो कुछ यहाँ पे होगा है ना, और अगर आप y में 3.8 चले, यानी कि आप यहाँ से अगर 3.8 चले तो लगभग आप यहाँ पे पहुंचते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है P1 को, जिसकी वैल्यू है x में 5.4 और y में 3.8। अब इस पॉइंट को आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो आप कंट्रोल कर सकते हैं एक पिक्सल को, और ये पॉइंट किस पिक्सल में क्या करता है, फॉल करता है, ये इस रीजन में फॉल करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर आप P2 की बात करें स्टूडेंट, तो P2 आपका कोऑर्डिनेट 4.7 और 3.3, तो ये भी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया स्टूडेंट, 4.7 नहीं 5.7 होगा। ठीक है, तो आप 5.7 चले तो कुछ आप यहाँ पे पहुंचिएगा, ठीक है, और यहाँ से 3.3 चले तो कुछ यहाँ तक आप पहुंचिएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आप कुछ यहाँ पे पहुंच रहे हैं जो कि इस पिक्सल के अंदर फॉल कर रहा है, यानी इस पिक्सल के अंदर पड़ता है, तो आप इस एक पिक्सल को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या, हमने क्या पढ़ा था, ईच पिक्सल ऑन द ग्राफिक्स डिस्प्ले डज नॉट रिप्रेजेंट मैथमेटिकल पॉइंट, यानी ऐसा नहीं है कि जो एक पिक्सल है वो किसी मैथमेटिकल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पिक्सल में डिफरेंट मैथमेटिकल पॉइंट्स हो सकते हैं। आ गई बात समझ में, एक पिक्सल में डिफरेंट आपके मैथमेटिकल पॉइंट्स हो सकते हैं। पिक्सल क्या करता है, एक रीजन को रिप्रेजेंट करता है, एक एरिया को, स्क्रीन के किसी एरिया को रिप्रेजेंट करता है, जो कि स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, जिसको कि एज अ एंड यूजर हम उसके वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके इंटेंसिटी को, उसके RGB वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। आ गई बात समझ में, आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग नोट करते हुए जा रहे होंगे इस पॉइंट, इस सारे पॉइंट को आप लोग नोट कर लिए होंगे स्टूडेंट, और इसे भी नोट कर लीजिए, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ पे 5.7 कर देना है, यहाँ पे 5.4 कर देना है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका द स्पेशल प्रोसीजर्स डिटरमाइन Which pixel will provide the best approximation to the desired picture or graphics object? ये क्या कह रहा है कि एक special procedure के द्वारा, या special procedure कोई determine करता है कि कौन सा pixel होगा जो कि provide करेगा, will provide the best approximation to the desired picture or graphics objects, इनमें से कौन सा pixel होगा जो कि क्या करेगा, best suitable होगा, provide करेगा उस graphics object को। So the process of determining the appropriate pixel for representing picture or graphics object is known as rasterization। और rasterization क्या होता है, इसे हम लोग को detail में पढ़ना है student। यहाँ पे समझिए कि rasterization क्या है, the process of determining the appropriate pixel, किसी भी पिक्चर के लिए, कोई पिक्चर है आपका, ठीक है, कोई एक पिक्चर है, ठीक है, और इस पिक्चर के लिए एक अप्रोप्रिएट पिक्सल को, अप्रोप्रिएट पिक्सल, अब यहाँ पे आपको बड़ा दिख रहा है ना, लेकिन आपके आपका जो भी स्क्रीन है उसमें बहुत छोटे छोटे पिक्सल होते हैं। ठीक है, तो उस पिक्सल को डिटरमाइन करना कि यहाँ पे कौन से पिक्सल को सिलेक्ट किया जाए, उसे बोला जाता है रास्टराइजेशन। ठीक है स्टूडेंट, एंड द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग कंटिन्यूस पिक्चर ऑफ ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट एज ए कलेक्शन ऑफ डिस्क्रीट पिक्सल इज कॉल्ड स्कैन कन्वर्जन, यानी कि
कंटिन्यूअस पिक्चर और ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट्स को एज अ पिक्सल क्या करना, उसे रिप्रेजेंट करना स्कैन कन्वर्जन कहलाता है। समझ गए यहां तक, पॉइंट को नोट कीजिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है द कंप्यूटर ग्राफिक्स अलाउज रोटेशन ट्रांसलेशन स्केलिंग एंड परफॉर्मिंग वेरियस प्रोजेक्शन ऑन द पिक्चर बिफोर डिस्प्लेइंग इट। यानी कि कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या क्या करता है स्टूडेंट, किसी भी पिक्चर पे किसी ग्राफिकल ऑब्जेक्ट पे रोटेशन परफॉर्म करता है, ट्रांसलेशन स्केलिंग और वेरियस प्रोजेक्शन उस पे परफॉर्म करता है उसको डिस्प्ले करने के पहले। यानी कि आपको जो भी ग्राफिक्स आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, आपको स्क्रीन पे विजुअल है, उस पे काफी ऑपरेशन परफॉर्म किया जा चुका है। इट ऑल्सो अलाउज एडिंग इफेक्ट्स सच एज हिडन सरफेस रिमूवल, और हम लोगों को ये पढ़ना है, ठीक है। ये क्या करता है, आप लोगों को अलग अलग तरह के इफेक्ट आपको प्रोवाइड करता है, शेडिंग का इफेक्ट, ट्रांसपेरेंसी का इफेक्ट टू द पिक्चर बिफोर फाइनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है स्टूडेंट। ये सारे पॉइंट को आप लोग नोट करते हुए चलिए। नेक्स्ट है आपका, इट प्रोवाइड्स यूजर द कंट्रोल टू मॉडिफाई कंटेंट्स स्ट्रक्चर एंड अपीयरेंस ऑफ पिक्चर्स। ये क्या करता है, यूजर को कंट्रोल प्रोवाइड करता है कि वो क्या कर सकता है, उस कंप्यूटर ग्राफिक्स के कंटेंट को मॉडिफाई कर सकता है, उसके अपीयरेंस को चेंज कर सकता है और ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट्स यूजिंग इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से क्या कर सकता है, उस ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट्स में मॉडिफाई चेंजेस कर सकता है। जैसे अभी मैं बोलूं तो इस पेन टैब की हेल्प से मैं क्या कर रहा हूं, आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है कंप्यूटर ग्राफिक्स उसमें मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन परफॉर्म कर रहा हूं। यहां पे मैंने अगर लिखा शुभम तो आपको यहां पे क्या दिखने लगा, शुभम दिखने लगा, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, आपके स्क्रीन पे जो कंप्यूटर ग्राफिक्स यहां पे जो आपके पिक्सल्स होंगे वो अब क्या हो गए होंगे, ग्रीन हो गए होंगे, या जो भी इसकी वैल्यू होगी वो आरजीबी की वैल्यू हो गई होगी। तो मैंने क्या किया, आपके जो भी मॉनिटर है उसके स्क्रीन के पिक्सल के वैल्यू को चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। किसकी हेल्प से मैंने किया, या मेरे स्क्रीन पे भी ये दिख रहा है तो मैंने इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से किया, या कीबोर्ड की हेल्प से आप लोग कर सकते हैं ना, कीबोर्ड से हम लोग जो भी टेक्स्ट एंटर करते हैं वो हमें क्या होता है, हमें मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है। हम लोग माउस का हेल्प ले सकते हैं, टच सेंसिटिव पैनल जो लैपटॉप में आपके लगा हुआ रहता है। इस प्रकार से इन सभी इनपुट डिवाइसेस और सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंप्यूटर ग्राफिक्स से रिलेटेड जो भी है हम लोग को यूनिट 2 में एज अ सेपरेट टॉपिक पढ़ना है, तो हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। हमने सिलेबस डिस्कशन आपको करवाया था। सो नेक्स्ट पॉइंट है, देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट डिवाइसेस एंड डिस्प्ले डिवाइसेस। कहा जा रहा है कि इनपुट डिवाइसेस और डिस्प्ले डिवाइसेस के बीच में एक क्लोज रिलेशन है, बिल्कुल। जैसे ये मेरा इनपुट डिवाइस है पेन टैब, है ना, और जो मेरा मॉनिटर है वो क्या है, एक डिस्प्ले डिवाइस है। तो मैं जो भी यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ वो क्या हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, विजुअल हो रहा है। तो आपका इनपुट डिवाइसेस और डिस्प्ले डिवाइसेस में एक क्लोज रिलेशन होता है। देयरफोर ग्राफिक्स डिवाइसेस इंक्लूड्स बोथ इनपुट डिवाइसेस एंड डिस्प्ले डिवाइसेस। ग्राफिक्स डिवाइसेस में क्या क्या इंक्लूडेड है, इनपुट डिवाइसेस इंक्लूडेड है और डिस्प्ले डिवाइसेस इंक्लूडेड है। तो हम लोग डिस्प्ले डिवाइसेस को पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट में। हमने आपको बताया था सेकेंड यूनिट में क्या क्या पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है सबसे पहले रास्टर स्कैन, वेक्टर स्कैन क्या होता है, देन हम लोग पढ़ेंगे कलर सीआरटी क्या होता है, प्लाज्मा पैनल पढ़ेंगे, एलसीडी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका यूनिट 2 का पार्ट है। अभी चूंकि हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े तो देखिए इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि ओवरऑल सब्जेक्ट को समझना। तो यहाँ पे आप कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है इसे समझ रहे हैं। तो इतना पढ़ने के बाद हम लोग अब कंप्यूटर ग्राफिक्स को एक डेफिनेशन दे सकते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स को एक सेंटेंस में डिफाइन कर सकते हैं क्या, इट इज द यूज ऑफ कंप्यूटर्स टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट पिक्चर्स ऑन अ डिस्प्ले डिवाइस। कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है, कंप्यूटर का यूज करके पिक्चर को क्रिएट करना, पिक्चर को मैनिपुलेट करना किसी डिस्प्ले डिवाइस पे। It comprises of software techniques to create, store, modify and represent pictures.
इसमें यानी कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या करता है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर टेक्निक्स का, डिफरेंट एल्गोरिथम का यूज करता है पिक्चर को क्रिएट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए और रिप्रेजेंट करने के लिए। इतनी बातों को अभी तक हमने इतने डिटेल में एक्सप्लेन किया। तो यहाँ तक आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा और पॉइंट्स को आप लोग नोट्स कीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट समझेंगे क्या एडवांटेजेज ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स की, कंप्यूटर ग्राफिक्स के क्या क्या एडवांटेजेज हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स के एडवांटेजेज। सो फर्स्ट आपको कहा जा रहा है एडवांटेजेज में क्या, और ये पूछा जाता है आपसे एग्जाम में 4 मार्क्स में, व्हाट आर द एडवांटेजेज ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, और 4 मार्क्स में पूछा जाता है आपसे एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो पहले हम लोग एडवांटेजेज देखते हैं। सो A high quality graphics displays of personal computer provide one of the most natural means of communicating with a computer. एक हाई क्वालिटी ग्राफिक्स डिस्प्ले जो होता है किसी कंप्यूटर का, वो आपको क्या करता है, एक नेचुरल मींस ऑफ कम्युनिकेटिंग प्रोवाइड करता है। यानी आपको जो स्क्रीन विजुअल होता है वो एज अ नेचुरल दिखाई देता है। किसी भी पिक्चर को आप देखें या किसी फोटो को देखें तो आपको क्या होता है, अच्छा विजुअल एक्सपीरियंस होता है। नेक्स्ट है क्या, इट हैज एन एबिलिटी टू शो मूविंग पिक्चर्स, यानी कि कंप्यूटर ग्राफिक्स के पास एबिलिटी है मूविंग पिक्चर्स को शो करने की, यानी ये यहाँ पे बात कर रहा है वीडियो की, किसकी बात कर रहा है ये, वीडियो की। वीडियो क्या होता है आपका, मूविंग पिक्चर्स होता है। एंड थर्ड, इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस एनिमेशन विद कंप्यूटर ग्राफिक्स, और इसीलिए कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज करके एनिमेशन परफॉर्म करना, एनिमेशन को प्रोड्यूस करना पॉसिबल है। नेक्स्ट है आपका, विद कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज कैन ऑल्सो कंट्रोल द एनिमेशन बाय एडजस्टिंग द स्पीड। बिल्कुल, हम लोग एनिमेशन को कंट्रोल कर सकते हैं स्पीड को एडजस्ट करके, यानी कि कितने स्पीड पे हमारा पिक्चर मूव करेगा। द पोर्शन ऑफ द टोटल सीन इन अ व्यू, किसी व्यू में टोटल सीन का क्या पोर्शन होगा। द ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द सीन टू वन अनदर, द अमाउंट ऑफ डिटेल सोन एंड सो ऑन। इस तरह से डिफरेंट चीजें हो सकते हैं जिस प्रकार से हम कंप्यूटर ग्राफिक्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, और ये पॉइंट आप नोट करते हुए चलिए स्टूडेंट, चलिए तीनों पॉइंट्स को नोट करिए वीडियो पॉज करके। तो चलिए आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एडवांटेजेज ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, 4th पॉइंट है आपका, द कंप्यूटर ग्राफिक्स ऑल्सो प्रोवाइड्स फैसिलिटी कॉल्ड अपडेट डायनेमिक्स। With update dynamics, it is possible to change the shape, color or other properties of the objects being viewed. यानी कंप्यूटर ग्राफिक्स एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसे क्या बोला जाता है, जिसे बोला जाता है अपडेट डायनेमिक्स। क्या बोला जाता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा हुआ है क्या, अपडेट डायनेमिक्स। और इस प्रॉपर्टी, इस कंप्यूटर ग्राफिक्स के प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग किसी ऑब्जेक्ट जो कि अभी डिस्प्ले हो रहा है, जो कि व्यू किया जा रहा है, उसके शेप को और उसके कलर को या उसके अदर प्रॉपर्टीज को हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक एडवांटेज हो गया। नेक्स्ट है क्या, विद द रिसेंट डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग दैट इज DSP एंड ऑडियो सिंथेसिस चिप, The interactive graphics can now provide audio feedback along with the graphical feedbacks to make the simulated environment even more realistic. यानी कि जो recent development हुआ है digital signal processing का, उसमें आपका जो interactive graphics है student, वो क्या कर सकता है, audio synthesis chip का use करता है, जिससे audio feedback को भी provide किया जा सकता है। यानी कि जो simulated environment का use किया जाता है student, ये simulated अब क्या है, ये application है एक computer graphics का, जहाँ पे क्या किया जाता है student, basically एक तरह का सिमुलेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। मीन्स अगर कहा जाए तो आप कहीं ना कहीं गेम खेलोगे स्टूडेंट, आप मॉल वगैरह चले जाइए तो वहां पे आपको क्या किया जाता है, एक प्रकार का चश्मा पहना दिया जाता है और आपको सीट पे बैठा दिया जाता है, फिर आप गेम खेलते हैं। तो उसमें जो आपको नजर आता है, आपको ऐसा लगता है कि मैं सही में झरने से गिर रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, है ना।
तो ये क्या है स्टूडेंट, सिमुलेशन का एग्जांपल है। हम लोग सिमुलेशन को एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स में अच्छे से अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो आपका एडवांटेज था, टोटल हमने 5 एडवांटेज देखे हैं और ये आपसे 4 मार्क्स में पूछा जाता है, तो अगर आप इतना लिख देते हैं तो इनफ है, आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। हमने आपको पहले ही बताया था कि हम इस प्रकार से सिलेबस को कंप्लीट करेंगे ताकि आपसे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं वो आपके सॉल्व होते हुए चले। तो यहां से आपका 2-3 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। पहला तो व्हाट इज कंप्यूटर ग्राफिक्स, एक्सप्लेन कंप्यूटर ग्राफिक्स। दूसरा आपका क्या कि एडवांटेजेस क्या क्या है कंप्यूटर ग्राफिक्स के। अब हम लोग समझते हैं एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स यानी कंप्यूटर ग्राफिक्स का कहां कहां पे इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है। तो सबसे पहला और जो कॉमन एग्जाम्पल है एप्लीकेशन है वो है यूजर इंटरफेसेस में। अब यूजर इंटरफेस क्या होता है, यूजर इंटरफेस आप लोग जान रहे हैं CUI GUI है ना। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये क्या है, कंप्यूटर ग्राफिक्स का ही एक एग्जाम्पल है आपका, जहां पे क्या किया जा रहा है, ग्राफिकली सारे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आज तो सारी चीजें इनहांस हो चुकी है लेकिन हम लोगों को एकदम बिगनिंग से चलना है कि जब कंप्यूटर ग्राफिक्स आया था तब किस किस तरह की चीजें थी, तब किस प्रकार से चीजें परफॉर्म होती थी, हमारा लाइन जनरेट होता था, किस प्रकार से कोई शेप जनरेट होता था, वो सभी चीजों को हम लोग कॉनिक्स कर्व्स में चैप्टर में पढ़ेंगे जो कि आपका आई होप 3rd चैप्टर है, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका, इट इज नाउ अ वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट दैट ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड एन अट्रैक्टिव एंड इजी इंटरैक्शन बिटवीन यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। ये बिल्कुल एक वेल नॉन फैक्ट है, वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि जो ग्राफिकल इंटरफेस होता है ये क्या करता है, एक अट्रैक्टिव वे प्रोवाइड करता है, एक इजी वे प्रोवाइड करता है कि हम कंप्यूटर से कोई एंड यूजर इंटरैक्ट कर सकता है। जैसे बात किया जाए तो आप अपने फोन का एग्जाम्पल लीजिए, फोन क्या है, एक कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, आप क्या कर रहे हैं उससे इंटरैक्ट कर रहे हैं। आप ये बताइए कि आप अपने फोन से कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, क्या आप अभी तक सोचे हैं, सोचिए और बताइए। आपको गाना सुनने का मन है, आपके फोन में जो स्टोरेज लगा हुआ है उसमें कहीं पे गाना स्टोर है, आपको वो सुनना है, तो बताइए आप अपने फोन से कैसे इंटरैक्ट कीजिएगा। आप अपने मॉनिटर की हेल्प से इंटरैक्ट कीजिएगा, स्क्रीन की हेल्प से इंटरैक्ट कीजिएगा, और स्क्रीन पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको डिफरेंट ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। आपको मान लिया जाए फोन का स्क्रीन किस इस प्रकार से होता है, यहाँ पे डिफरेंट एप्लीकेशन होते हैं, तो ये सारे क्या है, ये सारे ग्राफिकल ऑब्जेक्ट हैं, और आपका स्क्रीन क्या है, सेट ऑफ पिक्सल्स है, तो यानी इस पिक्सल्स की इंटेंसिटी और पिक्सल के कलर्स को चेंज करके डिफरेंट आपको रिप्रेजेंट किए गए हैं, और आप क्या करते हैं उसकी हेल्प से आप अपने कंप्यूटर से इंटरैक्ट करते हैं। आप अगर म्यूजिक पे प्ले पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, तब सिस्टम को पता चलता है, फिर इंटरनल वर्किंग अपना होता है, वो अलग लॉजिक है प्रोग्रामिंग का पार्ट। हम यहाँ पे कंप्यूटर ग्राफिक्स समझ रहे हैं, तो हम ये जाने कि हम क्या किए, उस पे क्लिक किए तो उसके बाद इंटरनल प्रोसेसिंग हुआ, कंप्यूटर हमारा क्या किया, साउंड को कमांड दिया, जो भी हमारा साउंड सिस्टम है, कि ये सॉन्ग को प्ले करो, है ना। तो हम इस सॉन्ग को प्ले करो ये कैसे हुआ हमारा मैकेनिज्म, ये हम क्या किए अपने डिस्प्ले डिवाइस जो भी हमारा स्क्रीन लगा हुआ है मॉनिटर उसकी हेल्प से किए, है ना। यानी कि यहाँ पे यूजर इंटरफेस में कंप्यूटर ग्राफिक्स का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, कॉमनली यहाँ पे एप्लीकेशन है यूज होता है, और ये एक अट्रैक्टिव वे भी है, हमें अच्छा भी लगता है, है ना। आप बताइए, आपको जैसा कि पहले था, आपको एक फोन दे दिया जाए जिसमें कमांड यूजर इंटरफेस रहे, आप कमांड लिखें और उसके बाद आपका सॉन्ग चले, आप कमांड लिखे उसके बाद आप किसी को मैसेज कर पाए, तो क्या आपको अच्छा लगेगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये एक अट्रैक्टिव तरीका भी है और एक इजी तरीका भी है। आप लोग देख सकते हैं आजकल जो छोटा से छोटा बच्चा रहे या जो पढ़ा लिखा नहीं भी रहे वो भी बताइए फोन चला सकता है, कैसे चला सकता है बताइए, अगर जिसे एक लेटर भी पढ़ना नहीं आता है वो भी फोन चला सकता है। यहाँ पे कंप्यूटर ग्राफिक्स का एप्लीकेशन है, वो क्या कर रहा है, उसे दिमाग में सेट हो गया कि अच्छा इस चीजों से ऐसे ऐसे होता है, अब वहां पे कमांड लिखना रहता है, वहां पे ब्लैक स्क्रीन रहता तो उसे समझ में नहीं आता। आप लोग समझ रहे हैं बातों को, बहुत अच्छा। पॉइंट्स को आपको नोट करते हुए चलना है और कहानी सुनना है, मजा लेना है, लेकिन आपको समझना भी है। नेक्स्ट है क्या, द बिल्ट इन ग्राफिक्स प्रोवाइडेड विथ यूजर इंटरफेसेस यूज विजुअल कंट्रोल आइटम्स सच एज बटन्स, मेन्यूज, आइकन्स, स्क्रॉल बार एक्सेट्रा।
यानी जो बिल्ट इन ग्राफिक्स होते हैं, आप लोग अपने फोन में भी देखिए तो डिफरेंट बटन्स बने हुए होते हैं, मेन्यूज होते हैं, आइकन्स होते हैं, स्क्रॉल बार आपको साइड में दिख रहा होता है ना। आप अगर कोई पीडीएफ खोले तो साइड में आपको क्या होता है, साइड में ऐसे आपको यहाँ पे स्क्रॉल बार दिखता है, यहाँ पे ऐसे स्क्रॉल बार, उसको पकड़ के आप क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, विच अलाउज यूजर टू इंटरैक्ट विथ कंप्यूटर बाय माउस क्लिक। टाइपिंग इज नेसेसरी ओनली टू इनपुट टेक्स्ट टू बी स्टोर्ड एंड मैनिपुलेटेड। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ माउस क्लिक से ही, और अगर हम टच कीबोर्ड की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, टच करके ही हम क्या कर सकते हैं, सिस्टम से इंटरैक्ट कर सकते हैं। और टाइपिंग की वहां नीड पड़ती है जहां पे हमें टेक्स्ट को इनपुट करवाना होता है। जैसे हम कोई चीज सर्च करना चाह रहे हैं तो हम तो ठीक है कंप्यूटर ग्राफिक्स के हेल्प से वहां पे चले गए, लेकिन उसके बाद हमें टाइप करना है तो हमें कीबोर्ड की नीड होगी, या अगर आप टच स्क्रीन यूज कर रहे हैं तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड की यूज होगी। ठीक है, सो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट पॉइंट को आप लोग नोट कीजिए तो हम लोग सेकंड पॉइंट की ओर मूव करेंगे। तो नोट कर लिया आप लोग स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है आपका प्लॉटिंग ऑफ ग्राफिक्स एंड चार्ट। जैसा कि हमने देखा कि कंप्यूटर ग्राफिक्स का एक एप्लीकेशन क्या है कि ग्राफ को और चार्ट को प्लॉट करना। इन इंडस्ट्री, बिजनेस, गवर्नमेंट एंड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर ग्राफिक्स इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू क्रिएट 2D एंड 3D ग्राफ्स ऑफ मैथमेटिकल, फिजिकल एंड इकोनॉमिक फंक्शंस इन फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम्स, बार्स एंड पाई चार्ट्स। यानी किसी भी इंडस्ट्री की बात करें हम, बिजनेस गवर्नमेंट की बात करें, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, वहां पे कंप्यूटर ग्राफिक्स का मेनली यूज क्यों किया जाता है, 2D और 3D मैथमेटिकल, फिजिकल, इकोनॉमिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। किसकी फॉर्म में, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम आप लोग जानते हैं हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम के फॉर्म में, बार्स की फॉर्म में, पाई चार्ट की फॉर्म में, है ना, इस तरह के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए डेटा को कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज किया जाता है। दीज ग्राफ्स एंड चार्ट्स आर वेरी यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग, और ये डिसीजन मेकिंग में बहुत ही यूजफुल होते हैं। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड डिजाइन। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, अगर आप शॉर्ट में बोले तो CAD। CAD आप लोग बिल्कुल नाम सुनेंगे, आपके जो भी मैकेनिकल फ्रेंड होंगे उनसे पूछिएगा तो वो आपको कुछ अच्छे से बताएंगे। ठीक है, CAD बेसिकली क्या होता है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है जहां पे हम लोग इस सॉफ्टवेयर का यूज करके डिफरेंट डिजाइंस को बना सकते हैं। अगर हम CAD के पहले की बात करें तो जो भी सिविल इंजीनियर्स होते थे या मैकेनिकल इंजीनियर्स, वो किसी भी चीजों को जब बनाना होता था, उसका ब्लूप्रिंट बनाना होता था हम लोग कहें, तो वो ब्लूप्रिंट हैंड से बनाते थे, एक सीट पे बनाते थे, जिस प्रकार से अभी आपको कॉलेज में बनवाया जाता है। ठीक है, जो भी मैकेनिकल सिविल के स्टूडेंट्स होंगे उनसे आप पूछिएगा तो कॉलेज में क्या किया जाता है, सीट पे, ड्राइंग सीट पे उनसे बनवाया जाता है। लेकिन CAD आने के बाद क्या हो गया स्टूडेंट, कि आप हूबहू उसी प्रकार का 3D ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, 3D ऑब्जेक्ट को आप डिजाइन कर सकते हैं कंप्यूटर पे, उसका प्रिंटआउट निकाल सकते हैं, उसे आप सेंड कर सकते हैं, उस डिजिटल डेटा को कहीं लेकर के आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो उससे क्या हो गया, चीजें आसान हो गई, ईजी हो गई इंजीनियर्स के लिए। ठीक है, सो द कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग यूजेज ग्राफिक्स टू डिजाइन कंपोनेंट्स एंड सिस्टम्स। ये क्या करता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स, आप चाहे इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रोमैकेनिकल हो एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो, जैसे कोई ऑटोमोबाइल बॉडीज है ना, मान लीजिए कोई डिजाइन आया है, ठीक है, कोई नया डिवाइस, जैसे मान लीजिए कोई मोबाइल आया, तो मोबाइल का जो डिजाइन आपको दिखाया जाता है वो किसकी हेल्प से बनाया जाता है, वो कंप्यूटर ग्राफिक्स की हेल्प से, CAD की हेल्प से बनाया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग्स, किसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाना है, एरोप्लेन का स्ट्रक्चर बनाना है, चिप्स या किसी भी तरह के लार्ज इंटीग्रेटेड चिप्स, ऑप्टिकल सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, इन सभी का को रिप्रेजेंट करने के लिए, इन सभी के डायग्राम जो ब्लूप्रिंट होता है उसको बनाने के लिए CAD का यूज किया जाता है, और CAD कंप्यूटर ग्राफिक्स का एक एप्लीकेशन है। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट है क्या स्टूडेंट, साइमुलेशन एंड एनिमेशन में इसका यूज किया जाता है। अब साइमुलेशन क्या होता है स्टूडेंट, साइमुलेशन मीन्स ये हो गया कि रियलिस्टिक आपको फील कराना, लेकिन चीजें रियलिस्टिक नहीं होना। जैसे अगर मैं आपको बताऊं
तो अगर मान लिया जाए आप एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तो एयरफोर्स ज्वाइन करने के बाद आपको ट्रेनिंग दी जाएगी पायलट की कि किस प्रकार से एयरप्लेन को उड़ाया जाता है, एयरक्राफ्ट को, है ना। तो एयरक्राफ्ट को उड़ाना कोई मामूली बात तो है नहीं, आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, साथ में एक पायलट रहेगा। तो अगर मान लिया जाए आपको ट्रेनिंग दिया जाता है तो आप तो एकदम नौसिखियां हैं, कुछ नहीं जान रहे। तो आपको जब बैठाया गया तो हो सकता है कि आपने कोई ऐसा बटन दबा दिया, कुछ ऐसा कर दिया कि जाके प्लेन क्रैश हो गया। अब प्लेन क्रैश हुआ तो आप तो गए ही साथ में, साथ में दूसरे को भी लेके डूब गए, जो बैठा हुआ था वो तो एक्सपीरियंस बंदा था, वो भी राम नाम हो गया। और उसके साथ में क्या हुआ, जो एयरफोर्स था उसका भी नुकसान हुआ। जो एयरक्राफ्ट होता है वो मामूली तो होता नहीं है, उस करोड़ों करोड़ों रुपया का होता है एक एयरक्राफ्ट, तो इससे काफी नुकसान होता था। इसके लिए स्टूडेंट साइमुलेशन के टेक्निक को लाया गया, और साइमुलेशन का जो टेक्निक है स्टूडेंट वो सबसे पहले अमेरिका में लाया गया था, ठीक है, और ये लाया गया था अमेरिका के आर्मी के द्वारा, ठीक है। वहां पे क्या होता है स्टूडेंट, देखिए आप अगर बात करें तो जितने भी अमेरिका में डिस्कवरी हुए हैं वो किस कारण से हुए, उन्हें जब जरूरत होती है जिस चीजों की, उन चीजों के लिए। जैसे इसी प्रकार से उन्हें इस प्रकार की एक सिस्टम के नीड थी कि हमारा कोई जब नया ट्रेनर आए उसे क्या करना रहे, जब किसी नए बंदे को ट्रेंड करना रहे तो हम क्या कर सके, विदाउट एयरक्राफ्ट या विदाउट कोई सिस्टम हम उसे ट्रेंड कर सके। तो उसके लिए साइमुलेशन का टेक्निक लाया गया। अब क्या किया जाता है, अब ये क्या क्या किया जाता है कि एक जाकर बैठा दिया जाता है जो कि लॉजिकल मतलब रहता है एयरक्राफ्ट की तरह ही, और आप उसमें बैठिएगा तो आपको इस प्रकार से लगेगा कि हम रियली में एयरक्राफ्ट को उड़ा रहे हैं। फायदा इससे क्या क्या हुआ, अगर किसी प्रकार का आप गलत बटन दबा देते या किसी प्रकार का क्रैश हो जाता है तो उसमें ना ही आपका नुकसान है ना ही एयरक्राफ्ट का नुकसान है, या जिस भी तरह का बात करें, ठीक है। दूसरी बात क्या, आप इससे डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि आप वहां पे कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज कर रहे हैं, आपको स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है, कंप्यूटर ग्राफिक्स की हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट एयरपोर्ट्स दिखाई दे रहे हैं। तो आप अगर एयरक्राफ्ट से ट्रेनिंग ले रहे हैं, एरोप्लेन की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो विश्व भर में जो भी फेमस फेमस एयरपोर्ट्स है जहां जहां आपको लैंडिंग करवानी है वहां का आप क्या कर सकते हैं, विजुअल एक्सपीरियंस कंप्यूटर ग्राफिक्स के हेल्प से वहां बैठे बैठे कर सकते हैं, प्लेन को लैंड करवा सकते हैं, आपको वहां पे रियली में करवाने की जरूरत नहीं। तो ये यहाँ पे हेल्पफुल है। एनिमेशन आप लोग जान रहे हैं, कार्टून्स वगैरह में, फिल्म्स वगैरह में एनिमेशन का यूज किया जाता है। सो यूज ऑफ ग्राफिक्स इन साइमुलेशन मेक्स मैथमेटिक्स मॉडल्स एंड मैकेनिकल सिस्टम्स मोर रियलिस्टिक एंड इजी टू स्टडी। द इंटरैक्टिव ग्राफिक्स सपोर्टेड बाय एनिमेशन सॉफ्टवेयर प्रूव्ड देयर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ एनिमेटेड मूवीज एंड कार्टून फिल्म, ठीक है, तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका आर्ट एंड कॉमर्स। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन द टूल्स प्रोवाइडेड बाय कंप्यूटर ग्राफिक्स। दिस अलाउज यूजर टू क्रिएट आर्टिस्टिक पिक्चर व्हिच एक्सप्रेस मैसेज एंड अट्रैक्ट अटेंशन। सच पिक्चर्स आर वेरी यूजफुल इन एडवर्टाइजिंग। यानी कि आर्ट या कॉमर्स के क्षेत्र में भी हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज करते हैं पिक्चर्स को बनाने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए, और काफी जगह पे इसका यूज है स्टूडेंट। आप अगर पढ़ते जाइएगा तो आपको मिलते जाएगा, इसलिए हमने काफी सारे पॉइंट्स को लिखा है, इसलिए ताकि आपको एग्जाम में अगर आप सारे पढ़ के जाएं तो आप इसमें से कुछ ना कुछ तो लिख के ही आएंगे। प्रोसेस कंट्रोल की अगर हम बात करें तो बाय द यूज ऑफ कंप्यूटर नाउ इट इज पॉसिबल टू कंट्रोल वेरियस प्रोसेसेस इन द इंडस्ट्री फ्रॉम अ रिमोट कंट्रोल रूम। कंप्यूटर ग्राफिक्स की हेल्प से हम लोग अब क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्री के किसी भी कंपोनेंट्स को, डिफरेंट प्रोसेसेस को कंट्रोल कर सकते हैं कंट्रोल रूम में बैठे बैठे, और हमें उसे एक्सपीरियंस विजुअलाइज करवाने के लिए बड़े बड़े स्क्रीन लगे हुए होते हैं। सो इन सच केसेस प्रोसेसेस सिस्टम्स एंड प्रोसेसिंग पैरामीटर्स आर शोन ऑन द कंप्यूटर विद ग्राफिक सिंबल्स एंड आइडेंटिफिकेशन। कंप्यूटर पे मॉनिटर पे वो डिफरेंट ग्राफिक सिंबल्स और आइडेंटिफिकेशन की हेल्प से हमें शो होते रहते हैं। This makes it easy for operator to monitor and control various processing parameters at a time, जो कि operator को help करते हैं, उस control room के operator को help करते हैं कि वो various processes को monitor पे control कर सकता है, है ना। नेक्स्ट है आपका कार्टोग्राफी। कंप्यूटर ग्राफिक्स इज ऑल्सो यूज टू रिप्रेजेंट जियोग्राफिक मैप्स, वेदर मैप्स, ओशियनोग्राफिक चार्ट्स, काउंटर मैप्स, पॉपुलेशन डेंसिटी मैप्स एंड सो ऑन। कार्टोग्राफी आप लोग देखेंगे
कि वेदर मैप्स दिखाया जाता है ना, न्यूज में दिखाया जाता है या डिफरेंट जगह पे आपको क्या दिखाया जाता है, ओशियनोग्राफिक चार्ट दिखाया जाता है, पॉपुलेशन डेंसिटी मैप आपको दिखाया जाएगा, इंडिया का मैप या बिहार का, और उसमें पॉपुलेशन डेंसिटी दिखाया जाएगा डिफरेंट तरह का, डेंसिटी को मान लीजिए ज़्यादा डार्क कर देगा, जहाँ कम डेंसिटी है पॉपुलेशन का घनत्व तो कम है उसे लो कर देगा। तो ये सारा जो चीज़ें परफॉर्म की जाती है वो कंप्यूटर ग्राफिक्स की हेल्प से किया जाता है। तो कार्टोग्राफी भी कंप्यूटर ग्राफिक्स का एक एप्लीकेशन है, ठीक है। और आर्ट एंड कॉमर्स अभी हमने जस्ट पढ़ा था, तो ये पॉइंट्स दोबारा यहाँ पे आ गया है, तो आपको इसे छोड़ देना है। नेक्स्ट है आपका क्या, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में भी क्या किया जाता है, स्टूडेंट यूज किया जाता है, जैसे कंप्यूटर जेनरेटेड मॉडल ऑफ द फिजिकल फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक सिस्टम इज ऑफन यूज एज एजुकेशनल एड्स। मॉडल ऑफ फिजिकल सिस्टम्स, फिजियोलॉजिकल सिस्टम, पॉपुलेशन ट्रेंड्स और इक्विपमेंट कैन हेल्प ट्रेनीज टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। जैसे आप कहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करें, जैसा अभी हमने फ्लाइट वाला एग्जांपल दिया था, ट्रेनिंग की बात करें तो वहां पे क्या होता है स्टूडेंट कि डिजाइन बना दिया जाता है और उस डिजाइन के साथ आपको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। फॉर सम ट्रेनिंग एप्लीकेशंस पार्टिकुलर सिस्टम्स आर डिजाइन। कुछ ट्रेनिंग एप्लीकेशन के लिए कुछ पार्टिकुलर सिस्टम को डिजाइन किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल फ्लाइट सिमुलेटर। देखिए इसका एग्जाम्पल आ गया फ्लाइट सिमुलेटर। अब ये क्या होता है स्टूडेंट, चलिए थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया है, थोड़ा सा जान लेते हैं। सो इट हेल्प्स इन गिविंग ट्रेनिंग टू द पायलट्स ऑफ एयरप्लेन्स। एयरप्लेन्स के पायलट्स को ये ट्रेनिंग देने के लिए यूज होता है। दिस पायलट्स स्पेंड मच ऑफ देयर ट्रेनिंग नॉट इन अ रियल एयरक्राफ्ट बट ऑन द ग्राउंड एट द कंट्रोल्स ऑफ अ फ्लाइट सिमुलेटर। ये जो पायलट्स होते हैं जिन्हें ट्रेनिंग मिल रही होती है वो अपना ज्यादा समय रियल एयरक्राफ्ट पे व्यतीत नहीं करते, वो क्या करते हैं ग्राउंड पे ही फ्लाइट सिमुलेटर के कंट्रोल रूम में बैठ के वो क्या करते हैं अपने ट्रेनिंग को परफॉर्म करते हैं। अब इसके एडवांटेज क्या क्या हुए, फर्स्ट देखिए आपका फ्यूल सेविंग लिखा हुआ है, बिल्कुल फ्यूल भी आपका स्टूडेंट इससे सेव होता है ना, क्योंकि आप ग्राउंड पे बैठ के फ्लाइट सिमुलेटर कर रहे तो उसमें थोड़ा ही फ्यूल खर्च हो रहा है। नेक्स्ट है आपका सेफ्टी भी रहता है, अगर किसी प्रकार की दुर्घटना हुई तो आपको किसी प्रकार का खतरा नहीं होता है। एबिलिटी टू फैमिलियराइज विद द ट्रेनिंग विद अ लार्ज नंबर ऑफ वर्ल्ड्स एयरपोर्ट्स। बिल्कुल आप जिन जिन एयरपोर्ट्स पे चाहे उन एयरपोर्ट्स पे क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, लैंड करवा सकते हैं, विजुअली एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स। प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स में आपका यूज होता है डिफरेंट कंपनी इंडस्ट्री में जो प्रेजेंटेशन परफॉर्म किया जाता है ना, वो किसकी हेल्प से किया जाता है, कंप्यूटर ग्राफिक्स की हेल्प से किया जाता है। सो बार चार्ट्स हो गया आपका, लाइन चार्ट्स हो गया, पाई चार्ट्स हो गया, डिफरेंट है हम लोग जान रहे हैं और बहुत सारा है, ठीक है। सो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स या स्टैटिकल रिपोर्ट्स, मैथमेटिकल रिपोर्ट्स, डिफरेंट सारे हैं, मैंने कंज्यूमर इंफॉर्मेशन, अदर टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, इन सभी को प्रेजेंट करने के लिए प्रेजेंटेशन में क्या किया जाता है, कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज किया जाता है। तो ये हमने टोटल 8 या एक रह गया था, ठीक है, जो कि दो दो बार हो गया है, तो टोटल 7 एप्लीकेशन हमने देखे स्टूडेंट, अगर 6 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है और अगर आप इतना लिख देते हैं तो इनफ है आपको 6 मार्क्स में 6 मार्क्स स्टूडेंट यहाँ पे मिल जाएगा। समझ गए यहाँ तक, तो आई होप आप सारे पॉइंट को नोट करते हुए चल रहे होंगे। मैं फिर से एक बार वापस से चलता हूँ और आपको यहाँ पे सारे पॉइंट को नोट कर लेना है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और इस दोनों एप्लीकेशन को नोट कीजिए, कर लिए, अब इन तीनों को नोट कीजिए। चलिए अब फिर से पॉज कीजिए और इन तीनों को नोट कीजिए, कर लिए, अब इसको नोट कीजिए लास्ट वाले पॉइंट को, और इसके बाद अगर आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं या इसे अवॉइड कर सकते हैं। अगर एग्जाम में लिख दे तो आपको अच्छा, या एग्जाम में मे भी ऐसा चांस है पूछ सकता है 4 मार्क्स में स्टूडेंट, 4 मार्क्स में कि सिमुलेशन क्या होता है, तो सिमुलेशन हमने आपको पढ़ाया और उसके बाद अगर आप ये एग्जाम्पल दे दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। और नेक्स्ट आप ये इसे नोट कर ले, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, सही है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो स्टूडेंट कंप्यूटर ग्राफिक्स के क्लासिफिकेशन को हम लोग डिफरेंट तरह से कर सकते हैं, डिफरेंट तरह से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट अगर हम लोग देखें तो टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट के आधार पे, यानी कि कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम लोग सेट ऑफ ऑपरेशंस जिस ऑब्जेक्ट पे परफॉर्म कर रहे हैं, रोटेशन, ट्रांसलेशन, स्केलिंग, वो किस ऑब्जेक्ट पे परफॉर्म कर रहे हैं, वो आपका या तो 2 डायमेंशनल हो सकता है या आपका 3 डायमेंशनल हो सकता है। बढ़िया,
या टाइप ऑफ इंटरैक्शन के आधार पे हम लोग देखें, यानी जो हमारा कंप्यूटर ग्राफिक्स में ऑब्जेक्ट है क्या हम उससे इंटरैक्ट करके उसे कंट्रोल कर सकते हैं या कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो उस आधार पे हम लोग देखें तो कंट्रोलेबल कंप्यूटर ग्राफिक्स या नॉन कंट्रोलेबल कंप्यूटर ग्राफिक्स। अगर हम काइंड ऑफ पिक्चर की बात करें तो क्या वो सिंबॉलिक है या क्या वो रियलिस्टिक है, इस प्रकार का हो सकता है। अगर आप रोल ऑफ पिक्चर की बेसिस पे देखें तो यूज फॉर रिप्रेजेंटेशन या यूज एज एन एंड प्रोडक्ट सच एज ड्रॉइंग, यानी कि उस पिक्चर का रोल किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जा रहा है या किसी एंड प्रोडक्ट के ड्राइंग के लिए यूज किया जा रहा है। अगर आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो वो लाइन ड्राइंग ग्राफ है या ब्लैक एंड व्हाइट कोई इमेज है, कोई कलर इमेज है या एक्सेट्रा है। तो इस बेसिस पे आप लोग स्टूडेंट इतने प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स को, ठीक है। तो आपको इन सभी को स्टूडेंट नोट कर लेना है, ये बहुत ही वीवीआई है, नोट लिख करके आपको नोट कर लेना है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स में। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको एकदम इसी प्रकार से फिगर को बना देना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स पैकेजेज। तो ये जो आपको दिख रहा है लोगो, ये एक पैकेज है कंप्यूटर ग्राफिक्स का, ठीक है। ऑटो कैड हो गया आपका, ये क्या है, एक कंप्यूटर एडेड डिजाइन का सॉफ्टवेयर है आपका ऑटो कैड। कॉरेल ड्रॉ हो गया, तो ऑटो कैड का आप लोग नाम सुनेंगे और 3D स्टूडियो का आप लोग नाम सुनेंगे, ठीक है। और अगर कोई इसमें ज्यादा हो तो कंप्यूटर ग्राफिक्स इंटरफेस CGI का आप लोग नेम जरूर सुनेंगे, ऑटो कैड, 3D स्टूडियो और CGI। बाकी ये सारे भी क्या है स्टूडेंट, ये सब भी कंप्यूटर ग्राफिक्स के पैकेजेज हैं, ओके। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो हमारा यूनिट नंबर 1 था, यूनिट नंबर 1 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या हमने देखा, कंप्यूटर ग्राफिक्स देख लिया क्या होता है, एडवांटेजेस समझ लिए, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, डिफरेंट एप्लीकेशन हमने देखा, क्लासिफिकेशन देखा और डिफरेंट CGI पैकेजेस। तो आपका यूनिट 1 फुल्ली कंप्लीट यहाँ पे हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन किस किस प्रकार का पूछा जा सकता है, VVI क्वेश्चन नोट कर लीजिए। जब आप सारे पॉइंट को नोट कर लिए तो आप हमेशा मैं आपको क्या करूंगा, हर एक यूनिट के लास्ट में VVI क्वेश्चन आपको बताता हुआ चलूंगा। तो चलिए VVI क्वेश्चन नोट कीजिए आप लोग। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन कंप्यूटर ग्राफिक्स, देखिए व्हाट इज कंप्यूटर ग्राफिक्स या एक्सप्लेन कंप्यूटर ग्राफिक्स, ये आपका क्वेश्चन है और जो कि पूछा भी गया है बहुत बार। दूसरा नोट कीजिए, राइट डाउन एडवांटेजेज ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, राइट डाउन एडवांटेजेज ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। नेक्स्ट है आपका राइट डाउन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, नोट कर लिए, राइट डाउन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। नेक्स्ट नोट कीजिए, व्हाट इज सिमुलेशन या एक्सप्लेन ब्रीफली सिमुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग नोट कीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, ठीक है। ये आपका स्टूडेंट कुछ VVI क्वेश्चंस हो गए जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे आपका यूनिट 1 फिनिश हो गया स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 2 है आपका, ठीक है। और यूनिट नंबर 2 में आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमने बताया था हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्ले डिवाइसेस, ठीक है। डिफरेंट डिस्प्ले डिवाइसेस को पहले एंड कर लेंगे, इसमें आपका 3-4 लेक्चर जितना भी चले वो चलेगा, और उसके बाद हम लोग फिर जो IO डिवाइसेस थे उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। Thanks for watching.